कि चंद्रशेखर टीवी में, अखबार में, सारे जगह दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ग्राउंड में हमारी आवाज़ बनकर वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो ग्राउंड में हमारे लिए काम करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो हमारे आइडियल नहीं हो सकते। जो भारत के जो विदेशी ब्राह्मण है, ये कानून बना के अगर हमको सोशल मीडिया से वंचित करता है तो अल्टरनेटिव विकल्प हम लोगों तक डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। और ये जो नेटवर्क बनाने का जो काम चल रहा है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से अभी हो रहा है, उसके अलावा अभी जैसे अभी राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग हाजिर थे और हर प्रदेश से आए हुए थे। फिर जिला अधिवेशन लगेगा, ब्लॉक अधिवेशन लगेगा, तहसील अधिवेशन लगेगा, गांव का अधिवेशन लगेगा। नहीं, जिस टाइप से आप बात कर रहे हैं ना, ये नेटवर्क मार्केटिंग जैसा हवा हवाई लग रहा है, ये बताएं कि इसमें कॉन्क्रीट क्या होगा? शुरुआत में जब भी कोई चीज़ हकीकत में नहीं बदली हुई रहती ना, सब हवा हवाई लगता है। ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही है ऐसा हम मानते हैं कि कांग्रेस आती है बीजेपी जाती है, बीजेपी जाती है कांग्रेस आती है। दर्शकों, नागपुर के इस बामसेफ के अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से जो साथी आए हुए हैं, जो युवा आए हुए हैं, हम इनसे बात करते हैं और जानेंगे कि किस तरह से भविष्य में वो बदलाव की उम्मीद करते हैं। जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम सुनील कुमार खलखो है और मैं भारत मुक्ति मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जी, ये बताएं, भारत मुक्ति मोर्चा के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, युवा भी हैं, इस वक्त युवा आइकॉन के रूप में चंद्रशेखर बहुत चल रहे हैं, चंद्रशेखर रावण जिनको कहा जाता है, क्या आपको लगता है कि इस वक्त राजनीतिक तौर पर कौन बेहतर इस तरह से नेतृत्व दे सकता है? सबसे पहले तो मैं बामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा में भी प्रदेश अध्यक्ष हूं, और जैसा कि हमने देखा है कि चंद्रशेखर टीवी में, अखबार में, सारे जगह दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ग्राउंड में हमारी आवाज़ बनकर वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो ग्राउंड में हमारे लिए काम करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो हमारे आइडियल नहीं हो सकते। जी, तो आपके हिसाब से राजनीतिक परिवर्तन, जो कि इस वक्त देश में हर व्यक्ति, युवा हो चाहे बुजुर्ग हो चाहे कोई भी हो, तमाम लोग जो चाहते हैं कि राजनीतिक परिवर्तन हो, आपके मध्य प्रदेश में कुछ समय पहले कांग्रेस की सरकार थी, आज बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार ने कहा कि हमने बहुत अच्छा काम किया, आज बीजेपी की सरकार भी वही बात कहेगी, इसके पहले बीजेपी थी, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी, ये होता रहेगा। आपको क्या लगता है, आपके लिए कुछ हो रहा है? अभी तक कांग्रेस और बीजेपी, जिसको हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी ने 75 साल तक काम किया, और इन 75 सालों में हम मूल निवासियों के लिए कहीं कोई काम दिखाई नहीं देता है, इसलिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही है ऐसा हम मानते हैं। और जैसा कि कांग्रेस आती है बीजेपी जाती है, बीजेपी जाती है कांग्रेस आती है, इसी प्रकार लगातार ये 75 साल तक राज करते रहे और हम मूल निवासियों का जो संवैधानिक अधिकार है वो खत्म हो गए, इसलिए कांग्रेस बीजेपी की जो सरकार है वो हम मूल निवासियों के लिए खतरनाक है ऐसा हम मानते हैं। जी, तो विकल्प क्या है फिर? तो इसके लिए जो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा अभी वर्तमान में बनाया गया है, यही हमारे लिए विकल्प है, और इस राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा में जो लीडरशिप करेगी वो बहुजन मुक्ति पार्टी करेगी। जी, अगर इस तरह से हर कोई चाहेगा, अभी कुछ दिनों पहले इंडिया एलायंस बना और उसमें भी इसी प्रकार के नेतृत्व का जो मामला आया, सब लोग कहने लगे नहीं हम बड़े हैं, तो इस चक्कर में इंडिया एलायंस भी अब फेल होने की पोजीशन में है। फिर आपने कहा कि राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, अब राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा में ऐसी कौन सी राजनीतिक पार्टियां हैं बताएं? राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा में बहुजन मुक्ति पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय परवेंद्र प्रताप सिंह जी, वो इसका लीडरशिप करेंगे, और इसके नेतृत्व में अभी लगभग 80 संगठन, जो छोटे दल हैं और कुछ बड़े दल हैं, वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं, और इसका नेतृत्व करने के लिए माननीय प्रवीण प्रताप सिंह जी अभी सामने आ रहे हैं, और उनके नेतृत्व में अभी 31 जनवरी 2024 को हम लोग निर्वाचन आयोग के कार्यालय पर महामोर्चा लेकर जाने वाले हैं। ये बात बताइए कि जिसने अभी तक कोई चुनाव
नहीं जीता हो, कहीं पर सरकार ना बनाई हो, कहीं पर आपका एक पार्षद भी ना हो, ऐसी स्थिति में सरकार या चुनाव आयोग भी जो है वो आपकी बात क्यों मानेगा? क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप अभी अभी आपने संगठन बनाया, अभी अभी आप राजनीतिक पार्टी बने और आप चाहते हैं कि आप नेतृत्व भी आप ही करेंगे, तो ऐसे में आपके साथ लोग जुड़ेंगे कैसे, जो कि एक बहुत बड़ा आंदोलन है ईवीएम के खिलाफ, जो आंदोलन आप एक बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन को लेकर चल रहे हैं, ऐसे में लोग आपसे कैसे जुड़ेंगे? माननीय कांसी राम ने ईवीएम के विरोध में या चुनाव आयोग के विरोध में कहा था, यानी वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जब माननीय कांसीराम ने ऐसा कहा तो कांग्रेस की सरकार ने हमारे देश में ईवीएम को लाया। उसके बाद में ये जो ईवीएम का जो मामला है 2004 और 2009 में कांग्रेस ने घोटाला करके सत्ता में आई। इसके बाद 2014 और 2019 में बीजेपी घोटाला करके शासन में आई। तो जो घोटाला करके शासन में आती है वो हमारे किसी भी समस्या का समाधान नहीं करने वाली है। इसलिए जो अभी वर्तमान में ईवीएम है वो उसको हम लोग वर्तमान मनुस्मृति के रूप में मानते हैं और ये जो मनुस्मृति है हम लोगों का सत्यानाश करने के लिए ही बनी हुई है। सर, इसमें जो अपना जो मुद्दा है, जो जैसे ईवीएम का मुद्दा है और सरकार में आने की जो मुद्दा है, वो मुद्दा माननीय मेश्राम साहब जी के नेतृत्व में भारत में 89 संगठन बना करके जो अपसीट विंग है, राष्ट्र किसान मोर्चा है, मैं राष्ट्र किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ छत्तीसगढ़ से, तो ऐसे तमाम हमारा 89 जो संगठन बना है और हम शासन सत्ता में आने से पहले हम भारत के लोगों को बता देना चाहते हैं कि हमारा जो भारत मुक्ति मोर्चा है और जो बामसेप है ये कितना बड़ा संगठन है भारत में। आज जैसे अभी 31 जनवरी को दिल्ली में चुनाव आयोग को पूरे भारत के लोगों ने, हम लोग 5 से 10 लाख लोगों ने ईवीएम का विरोध में हम घेरेंगे। जब ऐसे हम बड़ा बड़ा आंदोलन जब करेंगे तो जो छोटे छोटे हमारे जो बहुजनों का दल है वो हमको समर्थन देगा और हम राज करने में सफल होंगे। ये गतिविधि से हम लोग जो काम कर रहे हैं, जैसे आप जो मीडिया है और आप जो बोल रहे थे शुरुआत में चंद्रशेखर रावण जी को, उनको प्रिंट मीडिया, नेशनल मीडिया है जो दिखाती है। अब हम चाहते हैं कि ये भवन मेश्राम साहब जी को 1 घंटा कम से कम भारत में नेशनल मीडिया में दिखा दिया जाए तो हम 1 घंटा में सरकार बदल सकते हैं। इतना हमारा जो ताकत है बामसेप की ताकत है सर जी। तो आपको लगता है कि मीडिया जब तक नहीं दिखाएगी, वो भी गोदी मीडिया, तब तक के संभव नहीं होगा? संभव होगा सर, बाकी थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि हमारे पास ये सोशल मीडिया है, आज के डेट में भारत में सबसे बड़ा मीडिया बन चुका है सर, ये नेशनल मीडिया है। तो देर तो लगेगी क्योंकि जो चाटुकार जो नेशनल मीडिया है वो आज हमको दिखा दे रही है, तो वो मतलब पूरे भारत में अब जो वो मीडिया है वो हमारे गांव में, गांव स्तर तक के जो गांव-गांव में वो जो खबर होता है उसको वो दिखाने में सक्षम रहता है। तो इसलिए वो जो जितना मीडिया दिखा रहा है वो प्रोपेगेंडा करके दिखा रहा है, तो हमारे जो मूलवासी भोजन के जो दिमाग में वो लोग जो प्रोपेगेंडा करके जो दिखाते हैं उसको हमारे लोगों के मानसिकता बना करके वो लोग परोसते हैं। इसके कारण से हमको देर लग रहा है, लेकिन आने वाले समय में देर लगेगा नहीं। हम लोग इस संघर्ष के हिसाब से पूरे भारत में काम कर रहे हैं माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में। जो आप जिस गोदी मीडिया से लड़ने की बात कर रहे हैं उसके पास लाखों करोड़ों का बजट है और वो करोड़ों का बजट पार्टियां देती हैं और बड़े बड़े उद्योगपति देते हैं, ऐसे में आपका जो ये सोशल मीडिया है जिसके पास कुछ भी संसाधन नहीं है, जो उसके पास कोई फंडिंग नहीं है, ऐसे में ये कितने दिन जीवित रहेगा? क्योंकि बिना किसी फंडिंग के, बिना किसी आर्थिक स्थिति के कोई भी ना आंदोलन जीवित रह सकता है और ना मीडिया जीवित रह सकता है। आपके पास क्या प्लान है? प्लान तो ये है सर, जैसे हमारे जो भारत देश में 125 करोड़ की जो संख्या है उसमें से 1500 करोड़ हटा दीजिए, बाकी का जो जनसंख्या है हमारे मूल निवासियों की है। हम लोग अब भारत में इतना बड़ा नेटवर्क बन चुका है कि हम एक एक आदमी को हम लोग गांव लेवल में, जैसे 6 लाख 6.5 लाख जो गांव है उस गांव में जा करके हम लोग एक एक आदमी से एक एक रुपया भी लेकर के हम अपना जो आंदोलन है उस आंदोलन को हम एक एक रुपये के बदौलत हम अपना आंदोलन को हम जिंदा कर सकते हैं। और आप उतने लोगों तक पहुँचेंगे कैसे जब तक आपका मीडिया ही नहीं है? आप पहुँचेंगे, ये तो नेटवर्क मार्केटिंग जैसी आप बात कर रहे हैं, ये उस तरह की बात लग रही है? नहीं, तो जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में तो हमारा खबर जो है ऑलरेडी चल ही रहा है, जो सोशल मीडिया है उसमें तो चल ही रहा है, जैसे यूट्यूब का माध्यम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, ये सारा चीज तो मैं कह रहा हूँ वो चल रहा है, लेकिन कितने दिन चलेगा बिना पैसे के? कितने दिन चलेगा?
तो ये तो बंद हो नहीं सकता ना सर, इनकी क्या औकात है जो इसको बंद करेंगे? आपको पता नहीं है, अभी दर्शकों आपको बता दें कि बहुत जल्दी एक ऐसा कानून आने वाला है जिसमें YouTube के जो चैनल्स हैं उस पर भी बहुत सारे प्रतिबंध लगाए जाने वाले हैं, और ऐसे में बिना बैकअप के, बिना फंडिंग के ये चैनल्स भी जो हैं उस तरह से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में क्या संगठन जो हैं, खासतौर से SC ST OBC के जो संगठन है, चाहे वो बामसेफ हो या तमाम दूसरे संगठन हो, क्या वो आपको लगता है कि इस मीडिया को आप लोग जीवित रख पाएंगे? सर थोड़ा चैलेंज तो आएगा जी, क्योंकि जितने भी हमारे जो यूट्यूबर साथी हैं जो इस एक्टिविटी में काम कर रहे हैं, तो बैकअप में तो पैसे चाहिए उनको, तो जब ये कानून बना कि उनको पैसा ना दिया जा रहा हो तो थोड़ा समस्या खड़ा होगा। तो इसका अल्टरनेटिव विकल्प हमारा है, हम सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक हमारी खबर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके बावजूद हम लोग फिजिकली लोगों से संपर्क बना के, संगठन बना के, और ये जो भारत मुक्ति मोर्चा है ये पूरा राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, और हम लोग 32 राज्यों में इसका नेटवर्क को बिल्ड कर रहे हैं। 32 राज्यों में नेटवर्क को बिल्ड करते हुए हम लोग 6,00,000 गांव में इसको हम लोग संगठन को विस्तार करना चाह रहे हैं, और हम लोग ये जो मैसेज को जो फॉरवर्ड करने की जो प्रयास कर रहे हैं सोशल मीडिया, अगर हमारे को अगर कानून बना के, जो भारत की जो विदेशी ब्राह्मण है ये कानून बना के अगर हमको सोशल मीडिया से वंचित करता है, तो अल्टरनेटिव विकल्प हम लोगों तक डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। और ये जो नेटवर्क बनाने का जो काम चल रहा है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से अभी हो रहा है, उसके अलावा अभी जैसे अभी राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग हाजिर थे और हर प्रदेश से आए हुए थे, फिर जिला अधिवेशन लगेगा, ब्लॉक अधिवेशन लगेगा, तहसील अधिवेशन लगेगा, गांव का अधिवेशन लगेगा। तो हम लोग सर, जैसे हमारे जो मनोज बघेल जी जो राष्ट्रीय किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि हमें थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन हम पहुँच जाएंगे जी। हाँ, मतलब आप आशान्वित हैं इस बात को लेकर कि देर सवेर ये बात होगी, लेकिन तब तक तो सब कुछ लूट चुका होगा। मतलब कि हमें इतना भी देर नहीं करना सर, कि इतना भी देर नहीं करना कि सब कुछ लूट जाए। हम लोग बहुत ही गति से इस चीज़ को अचीव करने में लगे हुए हैं, बहुत तेजी से। नहीं, जिस टाइप से आप बात कर रहे हैं ना, ये नेटवर्क मार्केटिंग जैसा हवा हवाई लग रहा है, ये बताएं कि इसमें कॉन्क्रीट क्या होगा? सर जी, ये जो शुरुआत में जब भी कोई चीज़ हकीकत में नहीं बदली हुई रहती ना, सब सब हवा हवाई लगता है, ऐसा लगता है कि ये ऐसा नहीं हो सकता है। हमारे जो पुरखा है सर, गौतम बुद्ध, हम उनसे प्रेरणा लिए। जिस समय किसी तरह का कोई टेक्नोलॉजी उस समय जब था नहीं, तो वो 10,00,000 लोगों को इकट्ठा कर लिया और परिवर्तन कर दिया सर। ये जो फार्मूला मैं जिसकी बात कर रहा हूँ आपसे, ये ट्रायल एंड टेस्टेड है, ये न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है। ये हमारे पुरखों ने 5,000 साल पहले इसको कर लिया है, हम उसी कॉन्सेप्ट को एज इट इज इधर कर रहे हैं। उनके पास में जैसे 10,00,000 कार्यकर्ता था, हमारे पास में भी हो रहे हैं जी। और इसको पूरी दुनिया में सर, जैसे मान्यवर वामन मिश्राम बोलते हैं, ब्राह्मण की क्या औकात, ब्रह्मा भी आएगा तो रोक नहीं पाएगा, तो रोकना मुश्किल है सर, पहुंचेगा जी, तो रोकना मुश्किल है, पहुंचेगा। और लोगों तक ये पहुंचने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, और निश्चित रूप से ये युवा सारे इस आशा के साथ पूरी तरह से चार्ज हैं, ये कहें कि एकदम पूरी तरह से रिचार्ज हुए हुए हैं, और ये निश्चित रूप से परिवर्तन लाने का एक संकेत यहाँ पर नजर आता है।